अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं। सोया आलू मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज और टमाटर को उबालना है। तो मैंने प्याज और टमाटर काट के इस तरह से स्लिट लगा लिया है ताकि ये थोड़ा जल्दी से पक जाए। टमाटर में भी मैंने हल्का सा स्लिट लगाया है और उसके ऊपर और नीचे से काट दिया है। इसे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक पानी में ढककर पकाना है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि जो टमाटर का छिलका है वो अलग होने लगे तो मतलब हमारा टमाटर पक चुका है। तो आप देख सकते हैं छिलका अलग हो रहा है। तो अब हम इस टमाटर और प्याज को निकाल के ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब इसके बाद हम इसी गर्म पानी में सोया चंक्स मिला देंगे। तो मैंने 1 कप सोया चंक्स लिया है और उसे 5 मिनट तक हमें इस गर्म पानी में रखना है। एक चीज़ ध्यान रखें, हम गैस को ऑफ़ कर दे रहे हैं, सिर्फ गर्म पानी में सोया चंक्स रखने से ही वो तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल चुके, एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इसे निचो के इसका पूरा पानी निकाल देना है। पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें हमें आलू और सोया चंक्स को फ्राई करके लेना है। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने और उसे हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। तो हल्का सा जैसे ये गोल्डन कलर होने लग जाएगा तो हम आलू को निकाल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, शैलो फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि आलू का कलर जो है हल्का सा चेंज हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसे निकालने के बाद हम इसी तेल में सोया चंक्स मिलाएंगे। सोया चंक्स मिलाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें, इसे काफ़ी अच्छे से आप नीचों के ले लेना, जितना मॉइस्चर कम रहेगा उतना अच्छे से हमारा ये फ्राई हो जाएगा। तो इसे हम बार बार बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे पकने में कम से कम 3 मिनट लग जाएंगे। और 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे सोया चंक्स का जो है कलर गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। तो जैसे ये ब्राउन कलर होने लगे हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारे सोया चंक्स तैयार है तो हम इसे निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद जो हमारा प्याज और टमाटर है वो ठंडा हो चुका है, तो उसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेते हैं। अब हम उसी पैन में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जैसे ही जीरा चटकने लगेगा हम इसमें 2 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। हल्का सा उसे सॉटे करेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट जल्दी से सॉटे हो जाएगा क्योंकि हमारा तेल जो है काफ़ी गर्म है। और जैसे ही ये सॉटे हो जाए तो इसमें हमारा जो टमाटर और प्याज का प्यूरी बना के रखा है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करके आप अच्छे से इसे चला लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ये मिक्स हो जाए इसे हम ढक कर कम से कम 10 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तेल छोड़ने लगे। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से आराम से कढ़ाई छोड़ रहा है, तो यानी कि अब इसमें हम मसाले डाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करें, धनिया पाउडर और मसाले जो डले हैं वो हल्का सा सॉटे हो जाए। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको सॉटे कर देते हैं और जैसे ही वो अच्छे से सॉटे हो जाए हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से आप मिक्स करें। अब इसमें हम हमारे फ्राई किए हुए सोया चंक्स और आलू मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छे से चलाते हैं। अब इसे कम से कम एक मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सोया चंक्स का ऑयल है वो भी इसमें आ जाएगा, वो भी ऑयल छोड़ने लगेगा। सोया चंक्स को फ्राई करते समय वो जो ऑयल ऑब्जर्व करता है वो इस मसाले में छोड़ देगा, जिससे ये मसाला और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब हमने इसे ढक्कन हटा के इसमें 2 कप पानी और मिला देते हैं ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी और अच्छी से बन जाए। तो अब हम इसे उबलने के लिए रख देते हैं और जैसे इसमें उबाल आएगा हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गर्म मसाला और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। दोनों ही डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और जैसे 5 मिनट के बाद ढकने के बाद हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ग्रेवी है बिल्कुल अच्छे से थिक हो चुकी है। कसूरी मेथी और गरम मसाले का टेस्ट भी हमारे मसाले में आ चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। एक बार आप ज़रूर बना के देखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।